ठीक है, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर विद यू। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कंटेंट देखते हैं, समझते हैं क्या आज का है। और क्वेश्चन सॉल्विंग पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, याद रखना, जितने क्वेश्चन सॉल्विंग आप करोगे क्लास के अंदर, उतना ही आपका टॉपिक के ऊपर आपका हाथ बैठेगा, और जितना ही आपका हाथ बैठेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग जब करा रहे होते तब थोड़ा ध्यान से करिएगा। सो वी हैव डन ऑल दिस क्वेश्चंस ओवर हियर, ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए थे कल के कल ही। ठीक है, सो जब भी बात की जाती है, तो चलिए यहाँ से हम देखना चालू करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। जब भी हम बात करते हैं आपके सीफो प्लांट्स की, करते हैं यू विल हैव अ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो आपको जो क्लोरोप्लास्ट होता है दो टाइप के आपको मिलेंगे यहाँ पे, मेसोफिल सेल के अंदर यू विल हैव अ ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट एंड बंडल शीट सेल के अंदर आपको अग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वी नो व्हाट इज अ क्रेंट्स एनाटॉमी, जब भी क्रेंट्स एनाटॉमी की बात होगी तो याद रखना ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके सीफो प्लांट्स के अंदर। यू विल फाइंड दिस इन योर सीफो प्लांट्स। सो सीफो प्लांट्स के अंदर यू विल गेट टू हैव योर क्रेंट्स एनाटॉमी। ओके, देन उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। क्रेंट्स एनाटॉमी आपका क्या होता है, आपके बंडल शीट सेल आपको मिलेंगे, उसके आसपास आपको मिलता है आपके मेसोफिल सेल, सो दैट इज गोइंग टू बी द क्रेंट्स एनाटॉमी। ये हम देख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट याद रखना, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे कितना हो रहा है, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक्स्ट्रा आप यहाँ पे 12 एटीपी आप लगा रहे होते हो, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके एटीपी का होता है 30 जितना, मतलब 30 ही होता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट यू नीड टू हैव टू क्रिएट योर शुगर मॉलिक्यूल। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो। साइकिल याद रखना, आपका यहाँ पे जो CO2 को एक्सेप्ट करता है आपका एंजाइम, दैट इज माय पीपी कार्बोक्सिलेज, आपका रूबिस को यहाँ पे नहीं होता मेसोफिल सेल के अंदर। पहले आपको बनेगा, आपका यहाँ पे पीपी CO2 के साथ कंबाइन करेगा विद हेल्प ऑफ माय पीपी कार्बोक्सिलेज और आपको देगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। अब आप ये बात देखिए ध्यान से, आपका जो पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, आपका जो पहला स्टेबल कंपाउंड आपका यहाँ पे जो बना है वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल वाला है, और इसी रीजन से याद रखिएगा इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ C4 पाथवे। इसको C4 पाथवे कहा इसलिए जा रहे हैं बिकॉज आपका जो पहला मॉलिक्यूल आपका बनता है स्टेबल वाला, दैट इज योर ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, और इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एज अ C4 पाथवे, याद रखना। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द OAA, इसकी वजह से आपने इसे बोलना एज अ C4 पाथवे। और C3 पाथवे को C3 पाथवे क्यों बोलते थे, या C3 साइकिल को क्यों बोलते थे, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो उसमें था कार्बन के 3 कंपाउंड्स होते थे, 3 PG। हाँ जी, 3 PG है, या आप बोल सकते हो PG है। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना कि पहला आपका स्टेबल कंपाउंड किस में कौन सा बन रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, हमने देखा था कि मैलिक एसिड भी बनता है आपके मेसोफिल सेल के अंदर, फिर वो वहां से निकलेगा आगे जाएगा आपके बंडल शीट सेल के अंदर और वहां जाके वो स्प्लिट हो जाएगा, इट विल स्प्लिट इनटू योर CO2 एंड पाइरूविक एसिड। ये CO2 आपका एंटर करता है केल्विन साइकिल और पाइरूविक एसिड जो आपका यहाँ पे है दैट विल कम बैक अगेन इनटू योर मेसोफिल सेल और वहां पे आके इट विल कन्वर्ट इनटू योर पीपी और वो करते समय आपको एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज द स्टोरी विच वी हैव सीन, याद रखना दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, दे कैन शो गुड रिस्पॉन्स इन द हाई लाइट इंटेंसिटी, राइट, एंड ये लोग अवॉइड करते हैं आपको यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन। तो ये सब चीजें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। बताइए बेटा, बताइए सर, OAA में 4 कार्बन कंपाउंड मतलब कहाँ से आएंगे, 3 से वो 4 कैसे हुए? चलिए देखते हैं कैसे हुआ। यहाँ पे पीपी में लगे हुए 3 कार्बन एटम्स है ना, आपका CO2 आया कंबाइन किया पीपी के साथ, हो गए 4 कार्बन एटम्स। CO2 आया ना, देखो CO2 आया कंबाइन करता है मेरे पीपी के साथ, किसकी मदद से, पीपी कार्बोक्सिलेज की मदद से। तो मेरा CO2 आके कंबाइन कर रहा है मेरा पीपी के साथ पीपी कार्बोक्सिलेज की मदद से, तो क्या होगा, 1 कार्बन यहां से आया, 3 कार्बन यहाँ पे थे, तो क्या मिला आपको, 4 कार्बन का आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मिल गया, पता चला? Yes, sir. ठीक, पक्का पता चला ना, ऐसे ही तो यस नहीं कह रहे? ठीक है चलो नाउ, सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो याद रखना फोटो रेस्पिरेशन वहां पे होता है जहां पे आपका हाई टेम्परेचर होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, बट C4 प्लांट्स को इसको लेके कोई टेंशन होता नहीं बिकॉज दे आर अ वेरी गुड प्लांट्स एंड दे
रिस्पॉन्ड वेल इन हाई टेम्परेचर एज वेल एज इन द हाई लाइट इंटेंसिटी. इसके अंदर वो काफी अच्छे से आपके यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता है. सो यहाँ पे आपका सी4 प्लांट आपके यहाँ पे खत्म होता है. आई होप सी4 प्लांट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. बाकी बच्चे, बाकी सबको सी4 प्लांट्स क्लियर है? सी4 प्लांट, सी4 पाथवे इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है, तो ये बात याद रखना आप लोग यहाँ पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेस्टफुल प्रोसेस. चलिए बात करते हैं हमारे उस वेस्टफुल प्रोसेस के बारे में जिसके बारे में हमने सुना था अभी तक. सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोटो रेस्पिरेशन. फोटोरेस्पिरेशन. सो याद रखिएगा, फोटोरेस्पिरेशन आपको होते हुए मिलेगा प्लांट्स के अंदर, बट सी4 प्लांट्स में ये कभी भी नहीं होता, बिकॉज सी4 प्लांट्स इम्यून है, उनके पास तरीका है अपने आपको बचाने का. बट फोटोरेस्पिरेशन जनरली आपको वहां होते हुए मिलेगा वेर यू विल हैव अ हाई लाइट इंटेंसिटी. हाई लाइट इंटेंसिटी एंड वेर यू हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर. तो ये दो आपके लाइक पैरामीटर्स होते हैं. जो अगर काफी ज्यादा आपको मिले देखने के लिए एनवायरमेंट के अंदर, देन आपको जनरली आपका एक पाथवे चालू होता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन. अब जब भी आप फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हो, आपको याद रखना है इसके अंदर आपके तीन ऑर्गेनल इन्वॉल्व होंगे. देर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ थ्री ऑर्गेनल्स. एक आपका होगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, एक होगा आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होगा आपका यहाँ पे पेरोक्सिसोम. और तीसरा आपका यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए आपके यहाँ पे तीन ऑर्गेनल आपके इन्वॉल्व होंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये बात आपने याद रखनी है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दीज थ्री ऑर्गेनल्स आर बीन इन्वॉल्व. कई बार एग्जाम में वो लोग यही पूछ लेते हैं कि कौन से तीन ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ये तीन का नाम यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा. राइट. अब एक पेज पे तो ये पूरा के पूरा हम बना नहीं सकते, तो इसको हमें लाइक आधा आधा करके बनाना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद माय क्लोरोप्लास्ट. और ज़ूम करते हैं कि यहाँ पे मेरा क्लोरोप्लास्ट है. तो ये है मेरा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट. उसके नीचे है मेरा यहाँ पे पेरोक्सिसोम. Underneath that, I will be having the peroxisome. And दूसरे पेज पे फिर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे आपका आखिरी ऑर्गेनल, that is your mitochondria. तो याद रखना ये तीनों ऑर्गेनल मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे आपके इस पाथवे के अंदर. अब ये पाथवे को हम फटाफट देख लेते हैं. मैं नहीं चाह रहा कि आप ये पाथवे को आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इसमें हो क्या रहा है. आपको बहुत स्ट्रॉन्गली इसमें कुछ याद नहीं रखना है. राइट. मतलब याद रखना है कुछ चीजों को, मैं आपको बता दूंगा. तो देखिए यहाँ पे होता क्या है. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर आपको रूबिस को CO2 की जगह O2 के साथ जाके वो कंबाइन करेगा, है ना. ये बात आपको बताई थी मैंने. तो चलिए वहां से स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो समझो मेरा यहाँ पे रूबिस को खड़ा हुआ है, रूबिस को मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो होप कर रहा है कि मेरा CO2 आए और मेरे साथ कंबाइन करे. राइट. मतलब बेसिकली CO2 के साथ ये करना चाहेगा अपना लाइक कॉम्बिनेशन. बट यहाँ पे समझो होता ऐसा है कि आपका O2 आता है, योर O2 कम्स ओवर हियर, और अगर मेरा ऑक्सीजन आता है यहाँ पे CO2 की जगह और अगर वो यहाँ पे आके रूबिस्को के साथ कंबाइन करेगा तो आपका चालू हो जाएगा आपका फोटो रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे आना चाहिए था मेरा CO2, बट यहाँ पे मेरा O2 आया और O2 मेरा कंबाइन कर रहा है मेरे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को. इट विल बी कंबाइनिंग ओवर हियर विद द RVP. सो बेसिकली होता क्या है कि O2 आता है और O2 आके मेरा कंबाइन करेगा मेरे RVP के साथ विद द हेल्प ऑफ द रूबिस्को. तो ये कंबाइन करता है मेरे RVP के साथ विद द हेल्प ऑफ माय रूबिस्को. तो रूबिस्को जनरली क्या करता है, CO2 को कंबाइन कराता है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, आपका O2 यहाँ पे कंबाइन कर रहा है. अगर O2 मेरा कंबाइन करता है RVP के साथ, आप बताइए मुझे एक RVP में कितने होते हैं कार्बन एटम? राइट. ठीक है, बिल्कुल सही. अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपका RVP आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टू थिंग्स. सो नाउ यू विल फाइंड कि जैसे ही O2 आके कंबाइन करता है इट विल फॉर्म टू थिंग्स. एक बनेगा ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक तो ये बनेगा जिससे आप वाकिफ हैं, ये नाम तो आपने सुना है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक तो आपका ये बनेगा और दूसरी चीज आपके यहाँ पे बनेगी फॉस्फोग्लाइकोलेट.
फॉस्फो ग्लाइकोलेट, ये नाम याद रखना कि आपका पहले आपका बना पीजी और दूसरा मॉलिक्यूल जो आपका है बना दैट इज माय फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट आपका बना होता है दो कार्बन एटम्स है, इट इज मेड अप ऑफ माय टू कार्बन एटम्स, और मेरा जो पीजी होता है वो तो आप जानते हो इट इज मेड अप माय थ्री कार्बन एटम। तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे बनते हुए आपको मिल जाएगी। अब क्या होता है, मेरा फॉस्फोग्लाइकोलेट जो मेरा यहाँ पे बना हुआ है ये आपका कन्वर्ट किया जाएगा इंटू योर फॉस्फो मिनट। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर ना, यू विल फाइंड दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट इज गोइंग टू नाउ एंटर इनटू योर पर्टिकुलर पेरोक्सीसोम। तो ये है आपके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी द क्लोरोप्लास्ट ओवर हियर। सो ये आपका यहाँ पे होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड उसके नीचे आप जानते हो जो मेरा यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनल मेरे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है मेरा यहाँ पे दैट इज द पेरोक्सीसोम। ये जो है यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पे पेरोक्सीसोम। अगर आपको याद हो तो पता है मैंने आपको बताया था कि पेरोक्सीसोम का इन्वायरमेंट आपका होता है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जब पढ़ रहे थे सेल लाइफ, यस राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन कि आपका जो प्रोक्सीजोम आपका यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द इन्वॉल्वमेंट इन इनटू योर फोटो रेस्पिरेशन। सर, इसी चीज की हम यहाँ पे लाइक बात कर रहे हैं। और याद रखना ये जो आखिरी चीज मेरी यहाँ पे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेरा यहाँ पे है मेरा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस माय फॉस्फोग्लाइकोलेट विल अल्टीमेटली एंटर इनसाइड योर पेरोक्सिसोम। तो ये बेसिकली आपको अल्टीमेटली एंटर करेगा आपके पेरोक्सिसोम के अंदर। तो नाउ दिस विल एंटर इनसाइड द सो पेरोक्सिसोम फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू माय फॉस्फोजाइलेट। ये आपका फिर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर फॉस्फोजाइलेट, फॉस्फो जाइलेट। तो आपका फॉस्फोग्लिसरेट आपका अंदर आ चुका है आपके यहाँ पे पेरोक्सिसोम के अंदर, और फिर आप उसे कन्वर्ट करते हो इनटू योर फॉस्फोजाइलेट, और फिर आपका यहाँ पे क्या होगा कि आपका फॉस्फोजाइलेट को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इनटू योर समथिंग नोन एज माय ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक आपका अमाइनो एसिड होता है। सो फॉस्फोजाइलेट जो आपका यहाँ पे होगा इसको आप कन्वर्ट करते हो आपके यहाँ पे ग्लाइसिन के अंदर। तो यहाँ पे आपका एक पाथवे चालू हो गया और उसके थ्रू आपने यहाँ पे ग्लाइसिन बना लिया है। अब ग्लाइसिन क्या करेगा, ग्लाइसिन आपका एंटर करेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो नाउ दिस ग्लाइसिन विल नाउ एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका ग्लाइसिन वहां से निकलेगा एंड विल एंटर ओवर हियर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइसिन आपका, ये याद रखना ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड, ये बेसिकली आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड है। और ग्लाइसिन जब आपका यहाँ पे आता है अब क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन यहाँ पे मिलके आपको बना के देंगे समथिंग नोन एज माय सेरिन। दे विल मेक यू समथिंग नोन एज माय सेरिन। ये भी आपका एक अमाइनो एसिड है। सो याद रखना दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन आपके मिलके यहाँ पे आपको बना के देते हैं आपके यहाँ पे सेरिन। ये इवेंट आपका हो रहा है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो दिस इज द इवेंट विच विल बी हैपनिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है आपके सेरिन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक CO2 मॉलिक्यूल आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, जिस CO2 को मॉलिक्यूल को हमें पकड़ के रखना चाहिए उस CO2 को हम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका एक अमोनियम आयन भी आपके यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। सो विल फाइंड वन अमोनियम आयन ऑल्सो इज समथिंग विच विल बी रिलीज ओवर हियर। तो एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, आपका जब रूबिस्को के साथ मेरा O2 कंबाइन हुआ तो मेरे दो चीजें बनी यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट अल्टीमेटली आपका एंटर करेगा आपका पेरोक्सिसोम के अंदर। इट विल कन्वर्ट इंटू योर फॉस्फोजाइलेट, फॉस्फोजाइलेट विल कन्वर्ट इंटू योर ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन फिर आपका एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये आपका कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंटू योर सेरिन। तो यहाँ पे आपका सेरिन आपके यहाँ पे बन चुका है। अब पता है सेरिन क्या करेगा, सेरिन विल नाउ एंटर इन साइड योर अगेन बैक इंटू योर पेरोक्सिसोम। तो ये यहां से निकलेगा
और वापस से एंटर करेगा आपके पेरोक्सीसोम के अंदर। तो इमेजिन कर लिए कि यहाँ पे मेरा सेरिन आ चुका है, नाउ सेरिन विल एंटर ओवर इनसाइड द पेरोक्सीसोम। अब जैसे मेरा सेरिन यहाँ पे पेरोक्सीसोम के अंदर एंटर करता है, इट विल कन्वर्ट इनटू योर हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे एज अ हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। इसको हम हाइड्रोक्सी पाइरूवेट के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे कन्वर्ट। तो यार इतना सेरिन आपका आ गया यहाँ पे, एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। ओके, अब आपका जो हाइड्रोक्सी पाइरूवेट आपका यहाँ पे है, नाउ दिस हाइड्रोक्सी पाइरूवेट विल कन्वर्ट इनटू माय फॉस्फोग्लिसरेट। This will convert into your phosphoglycerate. ठीक है, so now this will be converting into your ultimately into your phosphoglycerate, right? और अब ये आपका phosphoglycerate वापस से enter करता है आपके ultimately into your chloroplast. Now this phosphoglycerate will now enter inside the chloroplast और ये आपके यहाँ पे अब पहुंच चुका है. So my PGA over here is someone who has reached over there. अब देखो यहाँ पे होता क्या, ये जो आपको पूरा जो साइकिल आपका यहाँ पे हुआ ना, ये हम कहते हैं कि आपका ये वेस्टफुल साइकिल है। अब इसे हम वेस्टफुल साइकिल इसलिए कहते हैं यहाँ पे बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे कि आपका CO2 यहाँ पे आपका रिलीज हो रहा है। जिस CO2 को आपको बचा के रखना चाहिए था उसे आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो, उसके साथ साथ ये साइकिल रन करने के लिए आपका यहाँ पे ATP का इन्वेस्टमेंट होता है। इस साइकिल को रन करने के लिए याद रखना, यू विल फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ATP। सो ये साइकिल को रन करने के लिए याद रखना आपका ATP का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। सो देयर विल बी अ ATP का इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपके यहाँ पे हो जाता है। तो प्लांट इतना खर्चा कर चुका होता है, CO2 वो भेज रहा है बाहर, CO2 को रिलीज कर रहा है, ATP यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि आपका एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। अब याद रखना जब आपके यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है ना PGA, तो ये आपका केल्विन साइकिल में एंटर कर जाता है। दिस विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल और इवन ये वाला जो PGA है वो भी केल्विन साइकिल के अंदर एंटर करेगा। तो फोटोसिंथेसिस तो आपका होगा यहाँ पे, बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी यूजफुल, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी और आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉस ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो ये आपका एंटर कर जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर, दिस विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल, राइट, ये आपका एंटर कर जाएगा और इवन आपका PGA भी आपका केल्विन साइकिल में आपका एंटर कर जाएगा। बट याद रखना कि फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे होगा, बट इट इज आप इतना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हो ATP का कि आपके लिए ज्यादा ये फायदेमंद नहीं होता। सो यू विल फाइंड फोटोसिंथेसिस हैपनिंग बट इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। इसके अंदर आप अपनी ATP भी इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका CO2 भी आपके यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे खाना बनाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। यू विल फाइंड कि ज्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा आपका ओवरऑल खाना बनने के लिए। तो आप इसको इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो, हैव अ लुक ओवर हियर। सो यू हैव योर फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने यहाँ पे लाइक आई मिस दिस स्टेप, इट विल कन्वर्ट इनटू योर ग्लाइकोलेट एंड देन इट विल एंटर इनसाइड योर पर्टिकुलर पेरोक्सीसोम एंड देन दिस पेरोक्सीसोम के अंदर ये कन्वर्ट होगा आपके ग्लाइकोसाइलेट के अंदर, राइट, एंड देन इनटू ग्लाइसिन और उस तरीके से आपका पाथवे आपका यहाँ पे आगे बढ़ेगा। ग्लाइसिन आपका कन्वर्ट किया जाएगा आपके सेरिन के अंदर। याद रखना दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन आपको चाहिए होते हैं, यू नीड टू हैव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन, तब जाके आपका एक सेरिन मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे बनेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका अमोनियम आयन रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है और हाँ NADP आप यहाँ पे यूज करते हो। सेरिन आपका वापस आ रहा है कन्वर्टिंग इंटू योर हाइड्रोक्सी पाइरूवेट एंड देन इंटू ग्लिसरेट एंड देन ग्लिसरेट इंटू फॉस्फोग्लिसरेट। ये स्टेप आप इग्नोर कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी उसे कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन योर PGA इज बीन फॉर्म्ड और ये PGA फिर आपका एंटर करेगा आपका केल्विन साइकिल के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इवन ये वाला जो PGA मेरा है इट विल आल्सो एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल। अब एक चीज याद रखना, आपके एग्जाम में वो लोग आपसे साइकिल नहीं पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क यू कि साइकिल तुम ड्रॉ करो या इसके बाद क्या बनेगा, बट आपको कुछ चीजें पूछी जा सकती है। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोसाइलेट कहाँ बनता है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्लाइकोसाइलेट कहाँ बनता है तो आपका आंसर क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेरिन कहाँ पे बन रहा है, वेयर द सेरिन इज गेटिंग फॉर्म्ड, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ जी, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दैट दिस हैज बीन गेटिंग फॉर्म्ड इन माय माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसा कई बार आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपका CO2 रिलीज कहाँ हो रहा है, वेयर द CO2 इज गेटिंग रिलीज, देन यू विल आंसर देम व्हाट, नुकसान दो तरीके से आपको यहाँ पे हो रहा है। आप यहाँ पे ATP इन्वेस्ट कर रहे हो, ATP का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे हो जाता है, उसके साथ साथ याद रखना की यहाँ पे आपका CO2 का भी नुकसान हो रहा है। CO2 यू आर लूजिंग द CO2 ना, CO2 को आपको फिक्स करना होता है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाए।
सो दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी द वेस्टफुल प्रोसेस. तो याद रखना द फोटो रेस्पिरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेस्टफुल प्रोसेस. और ये मेरा प्रोसेस आपका किस कंडीशन में होते हुए आपको मिलेगा, इन विच कंडीशन आई विल फाइंड फोटो रेस्पिरेशन विल टेक्स प्लेस, High light intensity and high temperature. And high temperature. तो ये दो conditions आपकी होती हैं, जिन condition के अंदर आपको मिलेगा, देख लीजिए ये event आपका हो सकता है. अब क्या ये event मेरे C4 plants के अंदर होगा? No sir. No sir. You will never find that happening in the C4 plants. So ये बात है ना, ये आपके C4 plants के अंदर होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलता. क्या ये event मेरा C3 plants के अंदर होगा? Yes sir. आपके फोटो रेस्पिरेशन के अंदर. सो दिस इज वॉट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. मेरा एक स्टेप यहाँ पे मेरा गलती हुआ था, और यहाँ पे इसको ग्लाइकोलेट हम यहाँ पे रखेंगे. And phosphoglycolate will convert into the glycolate over here. It will convert into the glycolate. ठीक है. And then इसको आप फिर लेके आते हो आपके inside your peroxisome and then convert into phosphoglycolate. अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि peroxisome के अंदर एक एंजाइम होता है, अगर किसी को याद हो तो peroxisome के अंदर. हाँ जी, catalase. Very good. So you have this enzyme in peroxisome known as your catalase. किसको याद है ये enzyme क्या करता था? ये hydrogen peroxide को H2 और O2 में convert कर देता था. Very good, बहुत बढ़िया मुनिका. ये H2O2 को convert करेगा आपके H2O and O2 के अंदर ये convert करता था. And yes, that is the event I will find happening in my peroxisome के अंदर, ये होते हुए आपको मिलेगा. तो ये बात भी आप यहाँ पे add कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन. सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी द फोटो रेस्पिरेशन ओवर हियर. और इतनी स्टोरी आप यहाँ पे याद रखिए, आपके लिए वो इनफ रहेगी. मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, आपको पूरा पाथवे याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट. बट इतना याद रखिए कि आपका क्या चीज आपकी कहाँ बन रही थी, उतना याद रख लीजिएगा, राइट. आई वुड रिकमेंड कि एक बार पाथवे लिख लो खुद के हाथों से, ताकि आपको याद हो जाए. एटलीस्ट आपको इतना बता दें कि कहाँ पे क्या बन रहा है. ये भी याद रखना कि आपका ये पाथवे चालू तब हो रहा है जब O2 आके बैठ रहा है, right, the O2 is coming and sitting over there and that is why it has been starting over there. और इसलिए ये भी याद रखना कि रूबिस्को के नाम के एंड में हम लिखते हैं कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल होता है कि O2 के साथ बैठ के भी अपना प्रोसेस चालू कर सकता है. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. तो क्या फोटो रेस्पिरेशन आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा है? Yes, sir. तो इन दैट केस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइकिल. And that cycle, that pathway is going to be my CAMP pathway. So, चलिए हमारा next pathway हम यहाँ पे देखते हैं. Excuse me, जिसका नाम यहाँ पे आपका होगा CAMP pathway. So, CAMP pathway हम यहाँ पे बढ़ते हैं. CAMP pathway को हम even कहते हैं यहाँ पे crucylation acid metabolism. So, CAMP pathway या जिसको हम even कहते हैं यहाँ पे crucylation acid metabolism. तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं. अब crucylation यहाँ पे क्या बेटा, ये एक फैमिली है, ये एक आपकी फैमिली ऑफ प्लांट्स है जिनके अंदर एक अलग सा ही पाथवे आपका रन किया जाएगा. तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहूंगा. सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी ये रहेगी कि ये जो फैमिली है प्लांट्स की क्रुसिलेसी है, ये जो फैमिली है इन प्लांट्स की, दिस इज अ फैमिली ऑफ अ प्लांट, दिस इज अ फैमिली ऑफ प्लांट. अब ये जो फैमिली है क्रुसिलेसी है, इसमें आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट दिस फैमिली विल बी हैविंग प्लांट्स जो जनरली आपको मिलते हैं एरिड कंडीशन में. दिस आर द प्लांट्स ऑफ एरिड कंडीशन. ये है मेरे यहां पे प्लांट्स ऑफ एरिड कंडीशन. एरिड कंडीशन का मतलब आप समझते हो? एरिड है, मैंने ये टर्म यूज किया था पहले कभी, याद कुछ समझ नहीं आया. मैं आपको बताता हूँ एरिड कंडीशन का मतलब यहाँ पे होता है, ये मेरे वो प्लांट्स हैं जो मुझे डेजर्ट वाले एरिया में मिलते हैं, ये मेरे वो प्लांट्स ऐसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पे पानी की होती है कमी, राइट. सो जब भी कोई आपके सामने एरिड कंडीशन टर्म लिखे तो समझ जाना
यहाँ पे आपके पास होगी पानी की कमी, सो यू विल हैव लेस वाटर, राइट? सो दीज आर लाइक डेजर्ट लाइक कंडीशंस. यू विल हैव योर डेजर्ट लाइक कंडीशंस एंड यू विल ऑलवेज हैव अ लेस वाटर इन दिस एनवायरमेंट. आपका यहाँ पे होगा हमेशा यहाँ पे लेस वाटर. तो ये दो चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज योर एरिड कंडीशन इन दिस, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू, दो तीन एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे दू, तो एक तो एलोवेरा इसके अंदर आ सकता है. यस हाँ जी, सर, एलोवेरा आपका यहाँ पे आ जाता है. देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर ओपुंशिया. ओपुंशिया आपका यहाँ पे आ जाएगा. सो ओपुंशिया इज नथिंग बट ना कैक्टस ओनली, राइट? कैक्टस, हाँ जी. इवन यू हैव यूफोर्बिया. यूफोर्बिया, सो ये कुछ आपके प्लांट्स हैं विच कम अंडर द फैमिली ऑफ माइक्रोसिलेसी है, ठीक है? तो ये एक चीज आप यहाँ पे आ रहे थे ना, दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी इन दिस. सो यू विल हैव दिस प्लांट्स कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोसिलेसी. ओपुंशिया, एलो एंड यूफोर्बिया आर द थ्री एग्जाम्पल्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये यह है कि यार ये लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो हमें यहाँ पे सीखना पड़ रहा है. तो एक चीज याद रखना कि अगर एक प्लांट है जो डेजर्ट में ग्रो कर रहा है, आई थिंक इसका माइक होना शायद से नहीं, नहीं है. ऑलराइट, अगर एक कोई प्लांट है जो आपका डेजर्ट में ग्रो कर रहा है, तो आप ये बात समझिए कि उस प्लांट को हमेशा इश्यू रहेगा पानी को कंजर्व करने का. उस प्लांट को हमेशा से इश्यू रहेगा आपके पानी को कंजर्व करने का, ठीक है? सो प्लांट इज गोइंग टू हैव अ लीव्स होंगे उसके पास, या लीफ नहीं तो स्टेम होगा सिर्फ, या जो भी रहेगा. पानी को कंजर्व करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब इसको आगे समझने के पहले आप एक चीज यहां पे समझिए. आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सोच के आप मुझे ये बताइए कि आपके प्लांट के अंदर जब CO2 एंटर करता है तो कहां से एंटर करता है? जब आपके प्लांट के अंदर, समझो ये मेरा यहाँ पे प्लांट है, समझो यहाँ पे मेरा प्लांट है, यहाँ पे काफी हैप्पीली यहाँ पे मेरा ग्रो कर रहा है. तो जब इसके अंदर CO2 एंटर करेगा, जब इस प्लांट के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका एंटर करेगा, तो याद रखना ये या आपका एंटर करेगा वाया स्टोमेटा. आपके CO2 जो आपका एंटर करता है, दैट इज समथिंग विल बी एंटरिंग थ्रू द स्टोमेटा. तो यू नो कि स्टोमेटा आपको मिलता है आपके लीव्स के अंदर. आपको याद होगा वी हैव मेड दोस गार्ड सेल्स, अगर आपको याद हो तो, गार्ड. हाँ जी. तो यू विल हैव द स्टोमेटा इन देम, और ये स्टोमेटा जो आपका रहता है, द स्टोमेटा ओवर हियर, इसके थ्रू आपका CO2 आपका करता है एंटर. अगर मैं आपको बताऊं लाइक रफली, तो समझो ये मेरा यहाँ पे गार्ड सेल है, और इन्हीं गार्ड सेल के थ्रू आई विल बी फाइंडिंग कि मेरा CO2 यहाँ पे एंटर करेगा. तो यही होता है हर एक प्लांट में, यही होता है. आपका CO2 जो भी आपका एंटर करेगा, वो आपका एंटर करेगा बाय द गार्ड सेल, आपका अंदर आता है, राइट? लेकिन पता है दिक्कत क्या है यहाँ पे, गार्ड सेल या स्टोमेटा में से ही आई विल फाइंड कि यहां से आपको वाटर भी बाहर जाता है. जब आपका प्लांट, देखो आज तुम्हारे घर के आसपास के जो प्लांट है, वो दिन भर आपका स्टोमेटा ओपन रखते हैं. तो जब वो स्टोमेटा ओपन रखते हैं, तो पता है क्या हो रहा है, आपका CO2 तो अंदर आ रहा है, बट उसके साथ साथ आपका वाटर भी आपका बाहर निकलता रहता है. सो वाटर लॉस आपका यहाँ पे हो रहा होता है, लेकिन आपके घर के आसपास जो प्लांट्स हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? क्योंकि पानी की काफी है उनके पास, लाइक फुलफिल हो रहा है उनका पानी का रिक्वायरमेंट. पानी की कमी हमारे घर के आसपास वाले प्लांट्स को नहीं होती. तो याद रखना जनरली क्या होता है, जब स्टोमेटा ओपन रहेगा, जनरली जब स्टोमेटा ओपन रहता है, तो आपका वाटर बाहर निकलेगा, राइट? और CO2 आपका अंदर आएगा. सो दैट इज वन थिंग विच विल ऑलवेज हैपन ड्यूरिंग द डे टाइम. तो ये चीज आपकी हमेशा यहाँ पे आपकी होती रहती है. सो ये चीज आपको याद रखनी है. सो ये तब होगा जब आपका स्टोमेटा आपका यहाँ पे है ओपन, राइट? अब आप यहाँ पे एक बात समझिए सब लोग ध्यान से. आपका जो प्लांट है जो आपका क्रूसिलेसिये फैमिली का जो आपका यहाँ पे प्लांट है, इसके साथ पता है कंसर्न क्या है? ये दिन के टाइम में अगर ये स्टोमेटा ओपन रखेगा, तो इसका पानी का नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा. आप समझिए इस बात को, अगर मेरा प्लांट डे के टाइम पे अगर ओपन रखता है स्टोमेटा को, तो पता है इससे दिक्कत क्या होगी? CO2 तो कम आएगा, CO2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन पानी का नुकसान या वाटर लॉस आपके यहाँ पे काफी ज्यादा होगा. सो दैट इज वाई वॉट विल हैपन, ये जो मेरे प्लांट्स है, ये डे टाइम पे स्टोमेटा को रखेंगे बंद. डे टाइम पे याद रखना इन प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा रहता है बंद. अगर आपसे कोई पूछे कि यार ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा, ये लोग स्टोमेटा को बंद इसलिए करते हैं डे टाइम में ताकि वाटर लॉस ना हो, राइट? सिंपल सी बात है बेटा, दिन के टाइम पे आपका टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, सनलाइट भी ज्यादा रहती है, पानी आपका ज्यादा लॉस होगा. जितना हाई टेम्परेचर उतना ज्यादा वाटर लॉस. सो याद रखना व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस, दीज प्लांट्स आर क्वाइट स्मार्ट. सो ये लोग काफी तेजी से अपना यहाँ पे काम कर, काफी समझदारी से अपना काम करते हैं. सो याद रखना ये प्लांट्स करते क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम
ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम पे क्या होगा, यू विल फाइंड दैट द स्टोमेटा विल रिमेन क्लोज्ड. स्टोमेटा आपका यहाँ पे रहेगा क्लोज्ड. अब अगर मेरा स्टोमेटा यहाँ पे क्लोज है तो पानी का नुकसान होगा या नहीं होगा मेरे यहाँ पे? नहीं होगा, कोई पानी का नुकसान नहीं होगा. और अगर मेरा स्टोमेटा क्लोज है तो क्या CO2 अंदर आएगा या नहीं आएगा? नो सर. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मेरा दिन के टाइम पे मेरा प्लांट स्टोमेटा बंद करके रखता है तो क्या उससे लाइट रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा. पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सच्ची बताओ, सोच के बताओ, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा. कैसे पड़ेगा बताइए, कैसे पड़ेगा सर? तो लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगा ना, मतलब सनलाइट तो पड़ेगी उस, तो स्टोमेटा बंद है ना, लाइट तो आ रही है ना, लाइट भी स्टोमेटा से आती है, समझो, है ना? सो लाइट, हाँ नहीं पड़ेगा. स्टोमेटा सिर्फ दो चीज आपके अंदर बाहर करनी है. हाँ जी, लाइट रिएक्शन आपका सुकून से होगा, बिना कोई दिक्कत के आपका लाइट रिएक्शन वहां पर रन करेगा. ठीक है, तो डे के टाइम पे लाइट रिएक्शन आपका आराम से होगा, आपको लाइट रिएक्शन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? बट क्योंकि आपने बंद करके रखा हुआ आपने स्टोमेटा को, CO2 अंदर नहीं आएगा, सो देयर इज नो CO2 कमिंग इनसाइड. बट प्लांट कहता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, पानी भी तो नहीं जा रहा बाहर हमारा, सो वाटर इज नॉट गेटिंग आउटसाइड, नीदर द CO2 गेटिंग इनसाइड. तो ये चीज करता है ये प्लांट डे टाइम के अंदर, राइट? तो पहले ये बात याद रखना. अब देखो नाइट टाइम में क्या होता है, जब कंडीशन आपकी चलती है नाइट टाइम की, सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग इन द नाइट टाइम. तो जैसे ही रात होती है, जैसे ही आपका नाइट टाइम यहाँ पे होगा, राइट, तो आप क्या करते हो, आप अपने स्टोमेटा को कर देते हो ओपन. सो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना स्टोमेटा जो आपका यहाँ पे होगा, इसको आप करोगे यहाँ पे आप अपना ओपन. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना स्टोमेटा ओपन किया, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग, आपका CO2 अंदर आएगा. अब मेरी बात ध्यान से समझिए, उसने रात को क्यों ओपन किया स्टोमेटा, उसका फायदा क्या है? रात को टेम्परेचर होता है लो, रात को टेम्परेचर आपका काफी लो जाता है, और अगर आपका टेम्परेचर लो हो जाएगा रात के टाइम पे तो वाटर लॉस भी आपका कम होगा. समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर टेम्परेचर आपका लो हो जाता है रात को तो वाटर लॉस भी आपके यहाँ पे कम हो जाएगा, दिन के टाइम पे तो ज्यादा वाटर लॉस होगा ना. सो याद रखना, नाइट के टाइम पे यू विल हैव द लो टेम्परेचर, यू विल हैव लो टेम्परेचर, राइट, एंड यू विल हैव अ लो वाटर लॉस ऑल्सो, यू विल हैव अ लो अमाउंट ऑफ वाटर लॉस. जितना दिन में होता था उससे तो काफी कम होगा, बहुत ही कम होगा. क्या ये बात यहाँ तक सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, स्टोमेटा आपने खोल दिया, स्टोमेटा आपका आ गया अंदर आ जाएगा, मतलब सॉरी CO2 आपका अंदर आ जाएगा. तो CO2 आपका अंदर जा रहा है, पानी बाहर निकल जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत कम पानी बाहर निकलेगा. तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, CO2 आपका अंदर आ चुका है, और इमेजिन कर लो कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ चुका है. सो लेट्स डू दैट, लेट्स मेक अ क्लोरोप्लास्ट, एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, राइट, और देखते हैं अब इसके अंदर क्या होगा. सो ये है मेरा क्लोरोप्लास्ट और आपका CO2 अंदर आ चुका है. अब की जो स्टोरी है ना, अब यहां से आप स्टोरी संभाल लोगे, यहां से आपको स्टोरी संभालने में दिक्कत नहीं आएगी. मेरा CO2 अंदर आता है, और जैसे मेरा CO2 अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसके सामने खड़ा होता है मेरा यहाँ पे एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम यहाँ पे होगा आपका PEP कार्बोक्सिलेज. द एंजाइम विच इज स्टैंडिंग ओवर हियर इज योर PEP कार्बोक्सिलेज. ये एंजाइम आपका यहाँ पे खड़ा होगा, राइट? आप इस एंजाइम को एक बार पहले भी पढ़ चुके हो C4 प्लांट्स के अंदर, तो ये एंजाइम कुछ नया है, तो ये एंजाइम आपके यहाँ पे खड़ा होगा. अब ये एंजाइम मदद करेगा, क्या मदद करेगा? CO2 को कंबाइन करने के लिए विद माय PEP. तो मेरा जो CO2 होगा, हाँ जी, ये कंबाइन करेगा मेरे PEP के साथ. तो CO2 इज गोइंग टू कंबाइन विद माय फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, और इसकी मदद करता है मेरे यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज. याद रखना, With the help of the enzyme, my CO2 will combine with my PEP. अब जब वो PEP के साथ combine करता है, तो क्या बनता है आपका? बताइए मुझे. What will be formed? OAA. हाँ जी, you will have oxaloacetic acid. ये आपके यहाँ पे बन जाएगा. अब मुझे full form लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये already आप पढ़ चुके हो. ठीक है? Yes. तो आपके यहाँ पे oxaloacetic acid बन गया. अब क्या होता है? This oxaloacetic. हाँ जी, will convert into your और मैलिक एसिड बना बना करेगा. सो बहुत सारा मैलिक एसिड बना लेगा, और उस मैलिक एसिड को ये पकड़ के डाल देगा वैक्यूल के अंदर. अगर आपको मालूम हो तो प्लांट के अंदर वैक्यूल एक तो वैसे ही बड़ा होता है,
और दूसरी चीज इसके अंदर स्टोरेज आप करते हो, ये जो वैक्यूल आपके पास है यहाँ पे इसके अंदर आप मैलिक एसिड को डाल दोगे। सो जितना भी मैलिक एसिड आप बना रहे हो उसको आप वैक्यूल के अंदर आप डाल के स्टोर करके आप रख दोगे। तो ये बात आप याद रखना पहले तो, कि रात भर आपने क्या किया, मैलिक एसिड बना बना किया और कुछ नहीं किया, मैलिक एसिड बना रहे हो, CO2 ला रहे हो, मैलिक एसिड बना रहे हो और सब संभाल के आप रख रहे हो वैक्यूल के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू डू इन द नाइट टाइम। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आप सबको? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में कहानी अलग हो जाती है इसकी। मॉर्निंग में उसने करना क्या है, वही चीज, ये अपने स्टोमेटा को कर देगा बंद, पानी बचाना है इसलिए आपके स्टोमेटा को यहाँ पे कर देगा वो यहाँ पे बंद। लेकिन स्टोमेटा को बंद करने के बावजूद उसका काम रुकेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो वैक्यूल आपके पास है, द वैक्यूल यू हैव ओवर हियर, इस वैक्यूल के अंदर से अब आपका मैलिक एसिड बाहर निकलेगा। अब इसको हम बाहर निकालेंगे मैलिक एसिड को। सो नाउ व्हाट विल हैपन, द मैलिक एसिड विल बी कमिंग आउट। यहाँ पे आपका मैलिक एसिड आपका निकलेगा बाहर। अब जब मेरा यहाँ पे मैलिक एसिड बाहर निकलता है ना, तो उसके बाद पता है क्या होगा, ये स्प्लिट होगा दो चीजों के अंदर। दिस मैलिक एसिड विल स्प्लिट इनटू टू थिंग्स, और आप वो भी जानते हो दो चीजें क्या होंगी। एक ये आपका स्प्लिट करके बनाएगा आपका पीपी, सॉरी इट विल फॉर्म द पाइरूविक एसिड। हाँ जी, ये बनाएगा आपका पाइरूविक एसिड और दूसरी जगह से आपके यहाँ पे निकलेगा क्या, CO2। ठीक है, तो मैलिक एसिड आपके यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है और ये स्प्लिट होकर आपको मन के देख रहा है यहाँ पे आपका पाइरूविक एसिड एंड द नेक्स्ट थिंग फॉर्म ओवर हियर इज माय CO2। तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे बन के निकल आती है। अब जो CO2 आपके यहाँ पे बाहर निकला उसमें से, अब याद रखना दिस विल एंटर इनसाइड द केल्विन साइकिल। ये आपका एंटर करेगा आपके केल्विन साइकिल के अंदर। So now this will enter inside the Kelvin cycle. CO2 जो मैंने यहाँ से निकला, ये आपका एंटर करता है आपके Kelvin cycle में। So यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, this is your Kelvin cycle. Kelvin cycle discovered किसने किया था? Melvin Kelvin. उसे discovered किया था। तो CO2 मेरा अंदर आ गया, Kelvin cycle आपका हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब दिन में आप सोमेटा बंद करके भी अपना केल्विन साइकिल रन कर सकते हो, समझ रहे हो आप? सोमेटा आपका बंद है बट रात को आपने सारा काम कर लिया। सो दिन भर आप लाइट रिएक्शन भी आपका हो रहा है और केल्विन साइकिल भी आपके यहाँ पे हो रहा है। इवन दो आपका सोमेटा बंद है, आपने इतना सारा CO2 इकट्ठा कर लिया था मैलिक एसिड के फॉर्म में, अब आप उसे यूज करके आप अपना केल्विन साइकिल बना सकते हो। और जो पाइरूविक एसिड यहाँ पे होगा, आप जानते हो इसके साथ क्या होगा, यू नो दैट व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये वापस आ जाएगा। क्या बनेगा, क्या बनाएगा, ये पीईपी ये आपका बनेगा यहाँ पे आपका पीपी, क्योंकि पीपी तो चाहिए, अगर ये खत्म हो गया तो कैसे करेंगे हम रात को काम अपना, राइट? सो पीपी हैज टू बी अगेन फाउंड ओवर हियर और ये आपका यहाँ पे बना दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है जिस तरीके से, जिसके थ्रू आप अपने आपको सर्वाइव करा सकते हो डेजर्ट वाली कंडीशन के अंदर। एंड दिस पाथवे इज कॉल्ड एज माय क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो यही आपका वो पाथवे बेटा जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज माय क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है और ये क्रूसिलेशिया फैमिली के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। हर प्लांट ये नहीं करता, ये उन्हीं प्लांट के अंदर मिलता है, होते मिलता है जो आपके इस फैमिली के अंदर आते हैं क्रूसिलेशिया, राइट? याद रखना ये मेरे प्लांट्स आपको मिलेंगे डेजर्ट लाइक कंडीशन के अंदर, ठीक है, जहां पे वैसे भी पानी की कमी होती है। और आप जानते हो जहां पे डेजर्ट होता है वहां पे क्या होता है, दीज आर द प्लांट्स विच आर लिविंग इन एरिया वेर यू हैव अ वेरी हाई टेम्परेचर। इनका जो एरिया होता है याद रखना, दे विल हैव अ High temperature over there. So, काफी high temperature उस एरिया में आपको मिलेगा। जितना ज्यादा बाहर का temperature, उतना ज्यादा evaporation from the plant. या जिसे हम कहते हैं as a transpiration from the plant. So, याद रखना, that is why they are going to ensure that कि दिन के टाइम पे वो अपना स्टोमेटा रखे वहां पे बंद। सो ये हो गया आपका यहाँ पे पाथवे, तो दैट इज माई कैम पाथवे। ये पिक्चर भी आप बाद में आराम से देख सकते हो। आपको हाँ बेटा बोलो क्या करे हो आप बताइए। आवाज करेगी बेटा, एक बार फिर बोलना पड़ेगा। सर इसमें फोटो रेस्पिरेशन होगी या नहीं? इसमें नहीं होती फोटो रेस्पिरेशन, यू डोंट फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, सो दे अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन वाला सिचुएशन। तो ये भी एक अलग ही प्लांट है जिनके अंदर आपको फोटो रेस्पिरेशन का कोई इशू इनके अंदर नहीं आता, ठीक है? तो ये एकदम डिफरेंट लीग ऑफ प्लांट्स है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय कैंप पाथवे। तो ये पाथवे याद रखना और ये याद रखना कि कब आप बंद कर रहे हो स्टार्ट को और कब आप यहाँ पे अपना ओपन कर रहे हो। और यहाँ पे भी आपको जो पहला CO2 एक्सेप्टर है आपके यहाँ पे, दैट इज माय पीपी ओनली। सो पीपी आपके CO2 को एक्सेप्ट करेगा और एंजाइम जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है
दैट इज माई पीपी कार्बोक्सिलेज. तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू ऑल रिमेम्बर. ठीक है, तो चलिए काम करते हैं बिफोर वी लाइक लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे, जिसको आप हैंड रेज करके आप आंसर करोगे. सो पहले आप करके दीजिए मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61. इन द लीव्स ऑफ सीफो प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन द अकर सिन. मैलिक एसिड आपका कहाँ पे बनाया जाता है, ये लोग आपसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर. तो ध्यान से याद करिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्विकली. तो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है. सो अंशिका, अंशु बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर. ऑप्शन डी. अंशिका अंशु का कह रहे हैं कि मेसोफिल सेल के अंदर होता ही है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही, मेसोफिल सेल के अंदर ही आपको मिलेगा आपका मैलिक एसिड बनते हुए. ऑक्सिलो एसिड के एसिड से मैलिक एसिड आपका मेसोफिल सेल के अंदर ही बनता है. ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, तो इसका आंसर तो मैं ही कर देता हूँ. राइट, इसका भी आंसर आपका मेसोफिल आएगा यहाँ पे. सो इट्स द सेम क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नाउ ध्यान से देखिएगा. एज कम्पेयर टू सी थ्री प्लांट्स हाउ मेनी एडिशनल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर नीडेड फॉर द नेट प्रोडक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सो शुगर, मतलब ग्लूकोज की बात करें, बाय सी फोर प्लांट्स. तो ध्यान से हैंड रेज करिए एंड ट्राई टू आंसर दिस. कितने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल एटीपी के यहाँ पे आपके लग जाएंगे. ज्योति बताइए क्या होगा इसका आंसर. ज्योति यहाँ पे 12 कह रही है. कोमल आपको क्या लग रहा है? 12. कोमल को भी यहाँ पे 12 लग रहा है. देन मुस्कान आपको क्या लग रहा है? 12. राइट, 12 इज द राइट आंसर. 12 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं सीफो प्लांट्स के अंदर, तभी आप अपना यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल आप अपना बना सकते हो. राइट, देन ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. इन शुगर केन प्लांट हैज रेडियो एक्टिव कार्बन CO2, राइट, इज फिक्स विद द मैलिक एसिड. इसको हम मैलिक एसिड में कन्वर्ट करें शुगर केन प्लांट के अंदर. इन विच एंजाइम दैट फिक्सेस द CO2, तो कौन सा एंजाइम है जो CO2 को फिक्स करने में आपकी मदद करेगा. अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, सो हैंड रेज करिएगा आंसर देने के लिए. सिर्फ तीन ही लोग, ऐसे कैसे चलेगा. पूछा ये है, अरे सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इतना क्या आप टेंशन ले रहे हो. शुगर क्रेन का CO2 जो है आपका यहाँ पे मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. राइट, पूछ रहे बोलो कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा CO2 को फिक्स करने के लिए. सो व्हाट विल द राइट आंसर. चलिए बताइए मोनिका क्या आंसर होगा इसके अंदर. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मोनिका यहाँ पे कह रही है. अंशिका आपको क्या लग रहा है इसका आंसर. अरे व्हाट हैपेंड. बताइए इशिता क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन बी. हाँ जी ऑप्शन बी ही आपके यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे होगा. ये ऑप्शन बी पता है क्या है यहाँ पे आपका. इट इज योर पीपी कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज है ये. सो पीपी कार्बोक्सिलेज की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं. आप लोग तो एकदम ही चुप हो गए ये क्वेश्चन देख के. क्यों ऐसा, व्हाई दैट हैपेंड सडनली यू बिकम ऑल ऑफ यू. ये क्या पूछ लिया. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपके यहाँ पे भी आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट्स. कैम प्लांट्स के रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देकर रखे हुए हैं, आपको ध्यान से देख के उसका आंसर करना है. सो ऑप्शन को ध्यान से सब लोग देख लीजिए. टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. लीजिए अपने 10 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड लीजिए. हैव अ लुक एट द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. पूछा गया कि आपके जो कैम प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपका उसके रिलेटेड आपकी कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. ठीक है पलक आप बताइए क्या होगा इसके अंदर सही आंसर. पलक यहाँ पे कह रही है ऑप्शन सी एज द करेक्ट आंसर. और लोगों ने भी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है. रंजना आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन सी. आपको भी यहाँ पे ऑप्शन सी लग रहा है. ठीक है, लोगों का आंसर लेते हैं. आरुषि आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन सी. आरुषि ये बताइए कि जब हम नाइट में स्टोमेटा को ओपन रखते हैं तो उससे हमें फायदा क्या होता है. सर लॉस ऑफ वाटर जो वो कम होता है. हाँ और CO2 अंदर आता है स्टोमेटा बंद रखोगे तो. Yes, sir. है ना. और जब तुम दिन के टाइम पे आप अपने स्टोमेटा को बंद रखते हो आरुषि, तो उसका फायदा क्या होता है. दिन के टाइम पे जब मैं स्टोमेटा को बंद रखता हूँ एज अ प्लांट, तो मुझे फायदा क्या मिल रहा है उससे. अरे अरे आप लोग तो बताइए क्या होगा. सिंपल सा बेटा, अभी तो आपने आंसर किया उसके रिलेटेड तो है. वाटर का लॉस जो वो कम होगा. बहुत होगा ही नहीं, अगर स्टोमेटा आप बंद रखते हो तो वाटर का लॉस आपका होता ही नहीं. सो दैट इज द एडवांटेज ओवर हियर. ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पे ऐड करनी है. सो दैट इज माय कैम प्लांट्स का ये रहा आपका यहाँ पे क्वेश्चन. देन आपके सामने चार स्टेटमेंट आपके सामने है यहाँ पे, इनमें से कौन सा आपका रॉन्ग है. इसके पहले मैं आपको थोड़ी हेल्प करता हूँ. आपका जो हैच सेलेक्ट पाथवे होता है ना,
हैशलेक साइकिल या हैशलेक पाथवे, इसको हम कहते हैं एज अ सी फोर पाथवे, दैट इज अनदर नेम फॉर माय सी फोर पाथवे। तो ये बात क्या रखना, आपका जो हैशलेक पाथवे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज अनदर नेम फॉर माय सी फोर पाथवे, ये सी फोर पाथवे का एक और नाम है, ठीक है। तो हैशलेक पाथवे या साइकिल को यहाँ पे ओ ए करके लिखा हुआ है, दैट इज अ राइट, ये आपका ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे सही है, ये पैर काफी सही है यहाँ पे। बाकी तीन में से बताओ कि कौन सी यहाँ पे है आपकी गलत, बताइए सुमन कुमारी, दैट मींस इशिता, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। सर ऑप्शन ए। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है ऑप्शन ए यहाँ पे रॉन्ग पैर है? सर क्योंकि मेज है वो सी फोर का एग्जांपल है। बिल्कुल सही, मेज आपका सी फोर का एग्जांपल यहाँ पे बन जाता है, दैट इज व्हाई दिस गोइंग टू बी द रॉन्ग स्टेटमेंट। यस बिल्कुल सही। देन व्हिच इज द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर एंजाइम इन सी फोर प्लांट्स, इनमें से कौन सा आपका सबसे पहला एंजाइम एक्सेप्टर होता है सी फोर प्लांट्स के अंदर? अगेन इसका भी आप आंसर मुझे बता सकते हो। रंजना आप ट्राई करना चाहोगे क्या होगा इसका आंसर? सलम आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। और पलक आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। पलक आप मुझे ये बताइए कि आपका CO2 जब आता है वो कंबाइन करता है आपके पीपी के साथ, और वो उसे कंबाइन करने के लिए आपका पीपी कार्बोक्सिलेस आपकी करेगा यहाँ पे मदद, ठीक है। और जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो आपको पहली चीज जो मिलके बनके मिलती है वो क्या होती है? अरे सर इन दोनों को कंबाइन करके। हाँ जी, जब CO2 मेरा कंबाइन करता है पीपी के साथ विद द हेल्प ऑफ द पीपी कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम मदद करता है ना वो कंबाइन करने के लिए। तो जब मेरा CO2 कंबाइन करता है मेरा पीपी के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या बनती है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। राइट, दैट इज योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये किसमें कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड। राइट, देखिए आपका आंसर देना दो तरीके से जरूरी है, एक तो आपको सही आंसर आप अपने एंड से दे देते हो, और दूसरी चीज बाकी बच्चों को भी वो चीज बार बार उनके सामने आती है कि अच्छा इससे ये बनेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई वी ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली लर्न द सेम थिंग, राइट। देन 79 भी आप कर सकते हो, अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट्स, इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? कोमल बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? फोटो रेस्पिरेशन। राइट, फोटो रेस्पिरेशन। कोमल आप बता सकते हो कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं फोटो रेस्पिरेशन के अंदर? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज़ोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दीज आर द 4-3 ऑर्गेनल्स विच विल बी इन्वॉल्व्ड ओवर हियर। बहुत सही, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो, देखिए ध्यान से, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सा सीक्वेंस आपका यहाँ पे एक तरीके से आपका सही है ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन, तो कौन से तीन ऑर्गेनल आपके इन्वॉल्व होते हैं? तो इसका आंसर भी आप मुझे बता सकते हो। कौन बताएगा इसका आंसर? रंजना आप ट्राई करना चाहेंगे, बताएंगे? सर ऑप्शन सी। रंजना ऑप्शन सी करें यहाँ पे। फिर मोनिका आप बताना चाहेंगे? ऑप्शन सी। बिल्कुल सही, आप दोनों का आंसर यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिज़ोम, ये तीन आपके इन्वॉल्व होते हैं आपके फोटो रेस्पिरेशन के दौरान, जो भी अभी हमने यहाँ पे देखा था। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन, ये सारे क्वेश्चंस आज के क्लास में हमने यहाँ पे देखे। सो आई थिंक यू आर गेटिंग आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैव टू आस्क यू, और आपको ये सारी चीज आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई आस्क यू, या मैं आपको अगर यहाँ पे डायरेक्टली C4 प्लांट्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज C4 प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जब मैं बात करता हूँ मेरे C4 प्लांट्स के बारे में, तो कितने ऑर्गेनल्स इसमें इन्वॉल्व है आपके C4 प्लांट्स के अंदर? 1, 2, 3 कितने इन्वॉल्व होते हैं? 3। सुनो मेरी बात, मैं फोटो रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं फोटो रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। कितने सेल्स आते हैं इन्वॉल्व आपके C4 प्लांट्स के अंदर? हाउ मेनी सेल्स आर इन्वॉल्व? इन दोनों में से किसके अंदर मुझे ग्रेना फॉर्मेशन नहीं मिलेगा? ग्रेना नहीं मिलेगा बंडल शीट सेल में। राइट, बंडल शीट सेल में मिलेगा। राइट, बिल्कुल सही। अब मुझे बताइए इन दोनों में से किसके अंदर केल्विन साइकिल होता है? बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल आपका केल्विन साइकिल होगा, ठीक है। मुझे बताइए इन दोनों में से किसके अंदर आपको मिलेगा आपका मैलिक एसिड बनते हुए? राइट, मीसोफिल सेल में आपको मिलेगा मैलिक एसिड बनते हुए। और लाइक इन दोनों में से किसके अंदर आपको रुबिस्को एंजाइम मिलेगा?
बंडल शीट मिलेगा बाबा, बंडल शीट मिलेगा ठीक है। रूबिस को तो चाहिए बाबा, रूबिस को तो चाहिए, उसके बगैर तो आपके काम बढ़ेगा नहीं ना आगे, इसके बगैर तो कैलेंड सेल हो नहीं सकता। तो रूबिस को एंजाइम याद रखना आपको मिलता है बंडल शीट सेल के अंदर, ये प्लीज भूलना मत, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो प्लीज देख लीजिएगा। और एक और चीज याद रखना कि आपका केल्विन से अगर आपसे कोई पूछे कि वो कहाँ पे होता है, देन अगेन आपका आंसर वहाँ, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट विल हैपन इन द बंडल शीट सेल ओनली। पीपी कार्बोक्सिलेज मुझे कहाँ मिलेगा? मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे पीपी कार्बोक्सिलेज, सो दैट इज समथिंग आई विल गेट टू सी। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से बेटा, हमने यहाँ पे हमारे कितने पाथवे देखे, हमने एक तो हमारा केल्विन साइकिल जो होता है नॉर्मल वो हमने देख लिया, फिर हमने देखा हमारा सी4 पाथवे, सी4 प्लांट्स हमने देखा, देन वी हैव सीन अवर फोटोरेस्पिरेशन, एंड देन हमने देखा हमारे यहाँ पे कैम पाथवे। तो इतने पाथवेज को आप एक बार फिर आई वुड रिकमेंड कि घर पे जाके लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये पाथवे क्लियर हो जाए, और जितने हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा, राइट? सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व मोर द बेटर इट इज फॉर यू, ठीक है? तो इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, राइट? तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक वी हैव डन, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको कैम पाथवे और फोटो रेस्पिरेशन सबको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा अपने एंड पे, प्लीज गो थ्रू द पाथवे बाय फ्रॉम योर साइड एज वेल, एंड अगली क्लास में जो कि कल होगी आपकी जब हम मिलेंगे, तो कल हम समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कैसे आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस को, वो चीज भी आपकी दो लेक्चर में खत्म हो जाएगी। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका थर्सडे तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट वॉज अ लेंथी चैप्टर, अगर ये हो जाता है तो। सो बाय थर्सडे वी आर एक्सपेक्टिंग दैट चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड, और ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थर्सडे तक आप अराउंड और मेरे साथ क्लास में बैठ कर अराउंड 20 क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लेंगे, ओके? जितने क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा होगा उतना ही टॉपिक के ऊपर आपका ग्रिप क्लियर होगा। सो जितना हो सके आप क्वेश्चन सॉल्विंग करिए। आई विल ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर दैट आई विल शेयर द एमसीक्यू विद यू। आई थिंक एक मैंने असाइनमेंट शेयर किया था जिसका आंसर की मुझे शेयर करना बाकी है काफी लोगों के साथ, सो आई विल मेक श्योर आई डू दैट, इफ नॉट टुडे बाय टुमारो आई विल डू दैट, एंड आई विल ऑल्सो शेयर अ पूरा असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर जो आप करना है चालू कर दो। आखिरी टॉपिक बाकी है, फैक्टर्स ऑफ रेटिंग बाकी है, बट उसके अलावा जितना भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो करने की आप लाइक चालू कर दीजिए आप, आई विल शेयर दैट विद यू, ठीक है? सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो बताइए, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस, इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन या दैट